हाय फ्रेंड्स, मैं जुरी चेतिया। आज आपनालोक मोर चेनेलटोल स्वागत जानाइछो जुरीज ब्लग बा जुरीज लाइफस्टाइल। आज मैं मोर ब्लगर प्रथम वीडियो आरम्भ कइछो। जदि किबा भूल हो जाए आपनालोकर परा क्षमा बिचारिछो। आज मैं आपनालोक मोर वीडियोटित एटा रेसिपी देखाम जितु सुका हाकर मासर लगत जुल। जदि आपनालोकर भिडिओटो भाल लागे लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करिबो। तो बोलक आज आम रेसिपिटोर कारण आम कि बस्तु दरकार हम मैं देखा दूँ। यार कारण प्रथम आम दरकार हम चुका शाक जी मैं कूटि लैसो मिहिके और यार पिछत आम दरकार हम जीरा पाँचफोरण तेजपात शुकान जलकिया आदा नहरु थेतेलाई लैसो। तो अपशनल है आपने नलबाबो पारे केसा जलकिया पिलाही पियाज और धनिया पात और सबके इम्पर्टेन्ट आम दरकार हम मास जी मैं भाजी लैसो। तो इतना प्रथम केराही तो बहाई लिया जाओ। केराही मैं मिठातेल दिसु जी अपना गरम हो गई से। तो इतना आम आरम्भ करूँ प्रक्रिया। तो मिठातेल खिनि गरम हर लगे लगे आम इतना प्रथम लिया जीरा खिनि पाँचफोरणखिनि शुकान जलकिया और तेजपात खिनि आम दीम और तार पिछत आम। तो यात मैं केचा जलकिया आदा नहरु और शुकान जलकिया जीरा पाँचफोरण आदि दी अलमान भाजी लैछो। अकमान रंगचुआ हुआके मैं भाजी लैछो जिहेतु मोर अकले निजे भिडिओटो बनाय आछो। तो किसान बस मैं देखा परा ना तार कारण बेहद नपाव। इतना मैं इतना अपना दीम चुका शाकनी जैसे ये अलग भाजी हम इतना चुका शाकनी दीम। इतना चुका शाकनी दिलो इतना भलदे आम लड़ा ल पटल को भाई लड़ाई लगे शाकनी आम अक क्वान्टिटी हिसाब लैसम तीन चार मानुर कारण। तो अपना कम बेसि पर लग पे इतना आम ये अलग ढाकन दी थम। इतना आम ढाकन अलमान आतराई सवधान आतराब गरमो हम पे। इतना आम निमख और हालधि जोख अनुसार आम दीम सवधान दी कारण आपनर मसर तो निमख थकनार टेस्ट अनुसार आपुनी निमख और हालधि तो व्यवहार कर। मैं इतना अलग अलग दीसो आको एबार लड़ाई लिया गई से जीतु शाकर परमाण तो कम अलग समय अपना यू सजा हो गए तथा आम इकान भाजी। तो आम ये अलग और ढाकन दी पे थोड़ी दू मिनिटमान बेसि समय नाकन आतराई ललो तार अकान लड़ाई दिल। इतना आम इतना प्रयोजन अनुसार आम केचा जलकिया चार पाँचा और बिलाही आधाफाल मैं दीसो। আপোনালোকে আপোনাৰ সোৱাদ অনুসৰি এইকেইটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব। যিহেতু অকণমান কেঁচা জলকীয়াটো দিলে সোৱাদটো বাঢ়ি যায় তো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। চুকা শাকত বিলাহীটো নিদিলেও হয় তথাপিও মই টেষ্টৰ কাৰণে দি দিছোঁ। এতিয়া আকৌ এক মিনিটমান ইয়াত ঢাকোন দি ৰাখি দিম। ঢাকোনটো গুচাই দিয়া হ'ল আৰু অকণমান ইয়াত লৰাই ইয়াত মই অকণমান পানী ইউজ কৰিম। আপুনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি দি দিব। ঢাকনখন দিয়াক উতলিবলৈ দিয়া হল।
কেৰাহী ঢাকনখন গুচাই চাও 2 মিনিট সময়ৰ পিছত আৰু ইয়াত আপোনাৰ ধুনিয়া কৈ উতল আহিব আৰম্ভ হৈছে তো এতিয়া আমি ইয়াত আমি ভাজি থোৱা জি কিটুকুৰ মাছ আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি আপুনি ইয়াত দি দিওক এটুকুৰ এটুকুৰক মই ইয়াত মাছবিলাক দি দিছোঁ প্ৰায় আপোনাৰ তৰকাৰী হৈ গৈছে কিন্তু মাছখিনি দিয়াৰ পিছত আমি ইয়াক অকণমান উতলিবলৈ দিম আকৌ 2 মিনিটমান তেতিয়াহে মাছৰ সোৱাদটো ইয়াত আপোনাৰ ভিতৰত পাব তো এতিয়া ইয়াক 2 মিনিটমান উতলিবলৈ দিয়া যাওক 2 মিনিট সময় হৈ গ'ল এতিয়া আমি চাওঁ আমাৰ চব্জিখন আপোনাৰ ইয়াত ৰেডি হৈ আছে আৰু এতিয়া আপুনি ইয়াক গৰমে গৰমে পৰিবেশন কৰিব পাৰে আমি ইয়াক পৰিবেশন কৰিবলৈ এটা পাত্ৰ লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াক গার্নিশ কৰিবলৈ আমাৰ হাকেৰে মাছ তৈয়াৰ হৈ গৈছে আৰু ইয়াক গার্নিশিংৰ কাৰণে আমি অলপ ধনিয়া দি দিছো খুবেই টেস্টি হয় আপোনালোকে ঘৰত ট্রাই কৰি চাব ধন্যবাদ।